हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा हो चुकी है तो अब आप जो है कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसका जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि आपका जो है कोरोना वैक्सीन लग सके, मैं आपको एक फॉर्म फिल करके एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा cowin.gov.in। ये जो है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज 18 प्लस रजिस्ट्रेशन ओपन, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो एक पोस्ट भी दे रखा है आपको, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने इसकी जानकारी यहाँ पे लिख रखी है, आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है, आप एक बार जरूर इस वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। और यहीं से आपको जो रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको वैक्सीनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका नियरेस्ट में कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है। आप जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पे जो है निदेशालय के द्वारा जारी किया गया यहाँ पे कुछ आम सूचना है जो कि यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी भी जानकारी बताई गई है। चलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। अब यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन ऊपर में मिलेगा येलो कलर में, रजिस्टर या साइन योर सेल्फ, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए बोला गया है कि अपना जो है एक मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस जाएगा ओटीपी के माध्यम से। आप ओटीपी यहाँ पे लिखेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसेस वाले पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लिया है, अब आपको करना है यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसेस। देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड चल रहा है, तो ओटीपी थोड़ा सा लेट से आ रहा है, लेकिन आपको वेट करना है। यहाँ पे तुरंत ओटीपी नहीं मिलेगा आपको, अगर नहीं दोबारा से मिलता है तो आपको यहाँ पे रीसेंड करने का दोबारा से ऑप्शन आएगा, तो आपको वेट करना है। ओटीपी आएगा क्योंकि थोड़ा सा लेट लग रहा है ओटीपी आने में, ठीक है ना। तो हम यह करते हैं वेरीफाई एंड प्रोसेस। जैसे जिस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने खुल के आएगा और बोल रहा है कि आप जो है इस नंबर से चार लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में चार लोग हैं और केवल एक ही मोबाइल नंबर है, तो आप जो है यहाँ पे चार लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, आप एक बार यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर मेंबर पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ पूछेगा कि आपके पास कौन सा आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या पेंशन पासबुक, या और भी यहाँ पे नीचे में देखिए और भी लिस्ट है, वोटर आईडी कार्ड भी है। तो आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है यहाँ पे क्या करेंगे, उसको चूज करेंगे। जैसे चूज करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर चूज किए तो आधार नंबर लिखेंगे, वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे तो वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, स्पेलिंग जो आपके आधार कार्ड पे है वो सेम सेम लिखेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल, अदर, उसको से नीचे आनी है। उसके बाद से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करने का ऑप्शन आएगा या यहाँ पे लिखने का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे केवल फॉर्मेट में लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए आप 2000 इस तरह से सन में जन्म हुआ है आपका, तो इस तरह आप लिखेंगे जैसे 1999 यहाँ पे हो गया, इस तरह से आपको केवल लिख देना। 1998 किसी का बर्थडे है तो 1998 यहाँ पे केवल सन लिख देना है, ठीक है ना, ईयर लिखना है, ईयर ऑफ बर्थ। उसके बाद से रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, और मैं देखिए यहाँ पे मैं खुद अपना जो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपका वैक्सीनेशन हो सके और हम जो है इस लड़ाई से, इस कोरोना के जंग से जीत सकें। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना जल्दी फ्रेंड्स जो है पूरे इंडिया में सभी जो है ठीक हो जाएंगे और कहीं पर कोरोना का जो है थोड़ा सा भी प्रकोप नहीं दिखाई देगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्रेंड्स आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, कोरोना का वैक्सीनेशन लगवाइए। जैसे वैक्सीनेशन लग जाएगा इससे मुक्ति हमें मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब देखिए आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब देखिए अगर आप चाहें तो और मेंबर का ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरे पापा को लगवाना है, तो मैं यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक करूँगा, मेरे भाई है कोई, तो उस पर मैं ऐड करके जो है चार लोगों का मैं जो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। अब आपको यहाँ पे देखिए शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, शेड्यूल पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल नाउ का एक ऑप्शन खुलेगा, मतलब जो आपको शेड्यूल करना है कि आप जो है कब वैक्सीन लगवाना चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाई डिस्ट्रिक्ट सर्च कर सकते हैं, बाई पिन सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पिन डाल के चेक करते हैं, मैं यहाँ पे अपना पिन फिल करता हूँ, जो आपका एरिया पिन कोड होता है गांव का। सर्च पे क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड पे लास्ट में दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कब कब स्लॉट खाली है। देखिए बोला है नो वैक्सीनेशन सेंटर इज अवेलेबल फॉर बुकिंग, तो यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको, 12 मई, 13 मई,
देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो वैक्सीनेशन के लिए, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बिहार चूज करता हूँ, उसके बाद से यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करूँगा, ठीक है, और उसके बाद हम सर्च करते हैं, देखते हैं इसके द्वारा आता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है गोपालगंज में जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे 25, यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज इज 45 फॉर रिक्वायर्ड फॉर दिस सेंटर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना जो है चूज करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे रिलेवेंट डेट है यहाँ पे शो करेगा कि कब खाली है, तो उस दिन आपको जो है यहाँ पे जाके लगवा लेनी है। या आपके मोबाइल पे SMS भी आएगा, मान लीजिए आप बुकिंग नहीं करते हैं फिर, तो आपके मोबाइल पे SMS भी आ जाएगा कि आपको वैक्सीनेशन इस दिन लगवाना है, इतने तारीख को लगवाना है, तो आप जो इस तरह से वैक्सीनेशन अपना लगवाएंगे। फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको जो है स्लॉट को भी बुक कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है अपना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। प्लीज़ आप लोग जो है मास्क को पहनिए और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जो भी गवर्नमेंट रूल्स लगा रही है उसको प्लीज़ पालन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बिना किसी वजह के आप जो घर से बाहर ना निकलें, अपने और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन माता पिता को भी ख्याल रखें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डियर सर्विंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।